जमाल भट्ट, आप सभी नाजरीन का इस लाइव नशरियात में खुश आमदीद। दोस्तों, कहते हैं कि घर घर की ये कहानी है, और आजकल की जो घर घर की कहानी है वो यह है कि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ और शिकायत यही मौसूल होती है कि यहाँ पे हमें साफ जो पानी है पीने के लायक वो दस्तियाब नहीं है। और आज भी यही एक कहानी आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। यह है वारीपोरा नूराबाद कुलगाम। ये जो है सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। हम सभी जानते हैं कि नूराबाद जो है सब डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पे जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बैठते हैं। और यहाँ पे लोग जो है बहुत सारे जो जमा है, और एक दो बंदों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, जियाजत शहरी हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तय क्या सुनाओ नजदीक में बशीर अहमद लोन बशीर पर रोजन बशीर साहब कैसे रोजन बोर पर रोजन बशीर साहब क्या मसला छु मसला छु ना अस्तान छु पदम चोर दो पर बिल्कुल हद चने खतरा आब कत अच्छा हां पेजी की लापरवाही से अस वो चोर दो इन सरियाद कर डी सी साहब तान तत् एस डी एम साहब तहसीलदार साहब लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हो अस एजाजस मज य गवर्नर इंतजामिया डी सी साहब अपील कर सोन मसला कर फटाफट हाल तो चूंकि आज चु करोना वायरस चलान अगर डी सी साहब ये पान दी नजर आब कतर चन खुद तो गवर्नर इंतजामिया तो डी सी साहब तो पी एच ई महकम अपील कर सानी खुद कर चन आब आब दस्तियाब अच्छा मे वो बशीर साहब तुम तो यह जिम्मेदार शख्स ये मे वो कि यहाँ टीन तीन ये टैंकी बिल्कुल ब्रोह वात यह मसलह डी सी साहब या मुतल बिल्कुल पी एच ई महकम तमाम हत लट अच्छा हे ये टैंकी कर तो साफ टैंकी हालत वो अत तुल तुम फोटो अत मिर्फ काव तीर मौजूद नाजरीन ये मसला जो है ये वारीपोरा का जो पानी का मसला है, तो यहाँ पे जो हमने देखा है कि जेई साहब जो हैं वो मौके पे आ चुके हैं और इनसे बात करेंगे ये मसला क्या है। जेई साहब सबसे पहले खुश आमदीद आपका, मुझे बता दीजिए यहाँ पे वारीपोरा के जो लोग हैं गांव वाले जो है शिकायत कर रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से जो है पानी उनको साफ मुहैया नहीं किया जा रहा है, और जो हालत है टैंकी की मैंने खुद देखी है बहुत ख़राब है, तो इस बारे में आपका क्या क्या पानी की हमें कमी नहीं है। एक्चुअली ये वारीपोरा हर्द मंजूरी स्कीम है, ऊपर से हमें 100 mm की लाइन आ रही है जिसमें से हम आधा पानी उनको देते हैं और आधा इस पे जी, जी। तो उनकी आप डिमांड है कि वो पानी को पूरा डिस्ट्रीब्यूट करो, हमें 50% दे दो, इनको 50% दे दो। उसमें हमें एक टेक्निकल फॉल्ट आता है, फिर हमें इस पानी नहीं चढ़ेगा टैंकी में। अच्छा यहाँ पे हाँ यहाँ पे तो वैसे भी जो टैंकी की हालत जो है वो बहुत खराब है। इसका ये वारीपोरा ध्रंगबल हमने नई स्कीम उठाई है जल जीवन में। अच्छा तो कोविड की वजह से उसका काम नहीं हुआ, तो इसका ये टैंकी शैंकी नहीं बनेगी, तो ये मुझे बता दें हम इनको फिल्टर पानी दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो मैंने देखी है जहाँ जहाँ से इनको पानी मैसर होता है, तो वहाँ पे भी जो है वो गेट वाल वगैरह वो खराब है, तो उस बारे में क्या बात है? एक्चुअली ये फाइनेंशियली क्लोज्ड स्कीम है, इसके हमने एस्टिमेट भेजे हैं, तो इंशाल्लाह उनके फंड का कुछ होगा तो हम ये जो आपने एक प्रोजेक्ट भेजा है आगे, क्योंकि जो आपने कहा कि जल जीवन क्या इनके इस जीवन में ये ख्वाब मुकम्मल होगा? हाँ इंशाल्लाह। जो पी एच ई जल शक्ति जिसको हम कहते हैं, उनके ए डबल ई से मेरी गुजारिश है, एक्जन साहब से गुजारिश है, और खासकर जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम से मेरी मोतबाना गुजारिश है कि मेहरबानी करके इन बेचारों का ये जो मसला वो हल कीजिए। और साथ ही लोगों से मेरी मोतबाना गुजारिश है कि जब भी आप कहीं पे भीड़ जहाँ जहाँ पे भीड़ आपको नजर आए वहाँ पे मत जाइए, और अगर आप वहाँ पे मजबूरी है जिस तरह यहाँ पे इनकी ये मजबूरी है, तो कम से कम मास्क पहन के जाइए और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखिएगा। इस वक्त नूराबाद कुलगाम से मैं फयाज जमाल बात।